माँ इमोशनल हो जाती ना माँ से बड़ा कोई नहीं होता अब मेरे आग थी कि चलो कुछ करते हैं मैंने सोचा अब यूट्यूब बनाता हूँ मैं दोस्तों के साथ बैठा उस टाइम पे मैं टी वगैरह देखता था अच्छा। तो हम अखिल और शुभम बैठे थे तो शुभम बोला चलो चाय पी के आते हैं और रास्ते में हम लोग जा ही रहे थे कि जो हमारे नाटक भारत हिंदू नाट अकेडमी के रेपेटरी डायरेक्टर हैं उनकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ चाय पी रहे थे मैंने उनकी गाड़ी देखी मैंने इग्नोर मार दिया हमने कहा अभी पूछने जाएंगे तो कहेंगे कि जब नाटक होगा बुला लेंगे दो महीना से यही कर रहे हैं मेरे साथ मैं उनको इग्नोर मार के आगे बढ़ा फिर पता नहीं क्या आया कि लाओ यार एक बार पूछ लेता हूँ फिर मैं पीछे से दौड़ता दौड़ता आया उनके पास उन्होंने पूछा दादा कोई नाटक हो रहा है उन्होंने बोला हाँ यार तुम थे कहा यार कल एक नाटक है और मतलब वो शो पहले जो मैंने देखा था थोड़ा थोड़ा गांधी वही री शो हो रहा था चंडीगढ़ जा रहा था तो होने वाला है तो आ जाओ तुम कल से अब मैंने दोस्तों को बोला कि भाई स्क्रिप्ट में ना यार कुछ तो लोचा है मजा नहीं आ रहा है आज का दिन अच्छा नहीं है शूटिंग के लिए बाद में करेंगे तो दोस्तों को लगा कि ये ऐसे कर रहा है मतलब सीरियस नहीं है चीजों को करना वनना नहीं है लेकिन मैं तो सीरियस था एक्टिंग को लेके कि पहले सीख तो लू मैं काम करूंगा क्या दिखाऊंगा क्या मुझे एक्टिंग आती नहीं ऐसे बिना सीखे तो मैं सोचा कि पहले थिएटर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं यूट्यूब तो करते रहेंगे तो मैं अगले दिन से तैयार होकर प्रॉपर जाने लगा थिएटर वेटर अब मैं थिएटर में गया वहाँ डायरेक्टर मिले और उन्होंने बोला कि बैठ जाओ जैसे भैया लोग कर रहे हैं देखो कैसे कर रहे हैं अब मैं बैठा हूँ बोर हो रहा हूँ वहाँ पर पे। पेशेंस घुटन हो रही मुझे कि मैं कब जाऊँगा स्टेज पर मुझे कब बुलाएंगे घुटन हो रही फिर एक घंटे के बाद अरे हरी

ऐसे ऐसे करता गया पैरलर में एक और नाटक चल रहा था मनोज शर्मा दादा का जब्बू काका उसमें एक कैरेक्टर था जब्बू काका नाटक का नाम था मार पर मारपराजन तो उसमें वो बंदा गायब हो गया था तो वो आए कि मुझे एक लड़का चाहिए तो पिंगुल दादा ने बोला कि इससे ले जाइए नया लड़का है अब मैं वहाँ गया उनके रिहर्सल में हो रहा है हो रहा है मैं ये सब पहली बार देख रहा हूँ कभी रिहर्सल में नहीं मैं था और ये सारी चीज़ें और गांधी जी की वो स्टोरी थी सब कुछ मेरे लिए बहुत मजा आता मतलब इंजॉय कर रहा था मैं अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जिया हूँ उस मोमेंट में कि कि मेरे साथ ऐसा लग रहा था मेरा मैंने जो सपना देखा वो सच हो रहा है जबकि अभी मैं थिएटर ही कर रहा हूँ लेकिन प्राउड फील हो रहा था कि मैं बहुत बड़ी चीज कर रहा हूँ स्टेज पे खड़ा होना पड़ रहा बंदूक लेके कुछ बोल नहीं रहा हूँ अच्छा लग रहा है रियल रियल से हुआ फिर चंडीगढ़ गया मैं वहां पे दो नाटक किए मार पर और थोड़ा थोड़ा गांधी ऐसे ऐसे किया नाटक में छोटे छोटे रोल मिलते थे एक मिनट का रोल मिल गया ऐसे बुढ़्ढे का रोल मिल गया कर लिया लेकिन डायरेक्टर्स अप्रिसिएट करते थे कि हाँ अच्छा करते हो मनोज शर्मा दादा ने मैंने जब वो कैरेक्टर किया जब्बू काका का उन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया कि नहीं अच्छा किया तू फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ रहा है तेरे को हेजिटेशन नहीं नहीं नहीं, नहीं होती थी या फिर तू उस टाइम फुल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में रहता था वाली बात जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था ना वो जो एग्जाम से पहले वाला होता है गुड़ 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 पेट में और पैर कापना सब कुछ हो रहा था मैंने ऑडियंस की तरफ देखा तक नहीं कि सामने बैठा कौन है ऑडिटोरियम में मैं मुझे जो लाइन मिली थी मैं एक्टर को देखा मैं वो एक्टर ने मुझे देखा लाइने बोल दी निकलो कोई वो नहीं चलिए अच्छा हुआ फंबल नहीं हुआ कि पहले ये फिल्मी कहानी में ये भी होना है बाकी था।, <laughs> था फिर दो नाटक किया उसके बाद आ गया लॉकडाउन